हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है गुरु नीति के अपने केमिस्ट्री के 11th एपिसोड में। माय नेम इज संजय अग्रवाल और मेरे साथ हैं हनुमान जांगिड़ सर। आज अपन थर्मोकेमिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं, क्यों सर? सही बात है ना? बिल्कुल सर, थर्मोडायनेमिक्स अपना लास्ट लेक्चर में हो गया था, आज अपन थर्मोकेमिस्ट्री की बात करेंगे जिसमें हीट ऑफ द रिएक्शन की बात चलने वाली है। ओवरऑल जितनी भी टाइप की हीट ऑफ रिएक्शन है उन सब की अपन बात करेंगे इस वाले टॉपिक के अंदर। ओके, तो सर अपन अपना स्टार्ट करते हैं। अपना क्वेश्चन वन जो अपन को डिस्प्ले हो रहा है, विच प्लॉट रिप्रेजेंट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सर यहाँ से मेरे को ये पता लग रहा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात कर रहा है। बिल्कुल, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए सर मैं बोल सकता हूँ कि जो अपना डेल्टा एच है वो नेगेटिव होना चाहिए। बिल्कुल सर, सही बात है सर। तो डेल्टा एच अपना नेगेटिव हो, और डेल्टा एच वैसे क्या होता है सर? प्रोडक्ट एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट एंथैल्पी। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ एचपी माइनस एचआर। ग्राफ के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो जहां पे मेरे को ये नेगेटिव चाहिए इसका मतलब एचआर ज्यादा होना चाहिए एचपी से, तभी अपना डेल्टा एच नेगेटिव होगा। यहां से बेटा मैं यदि थर्ड ऑप्शन की बात करूं थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखिए एच आर की वैल्यू ग्रेटर देन एच पी के कंपैरेटिवली, तो यहाँ पे हमको डेल्टा एच नेगेटिव मिलेगा और मैं कह सकता हूँ कि प्लॉट थ्री जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए इंडिकेट कर रहा है। बिल्कुल, ओवरऑल ये बात है सर, उष्मा से भी पूरी थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर जो बात होगी वो डेल्टा एच की बात होगी। बिल्कुल, और डेल्टा एच जो होता है इसको अपन वैसे तो नॉर्मली बोलते हैं एंथैल्पी, या फिर अपन इसको ऐसा भी बोल सकते हैं हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। बिल्कुल सही बात, ठीक है। और थर्मोकेमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द केस में अगर हीट भी बोलता है तब तक भी अपन इसको सही मानते हैं। हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर या हीट ऑफ द रिएक्शन भी बोले तो भी अपन को डेल्टा एच ही कंसीडर करना है। और डेल्टा एच जो होता है सर वो हमेशा फिक्स है कि अगर एंथैल्पी के टर्म्स में बात करना है तो एच प्रोडक्ट माइनस एच ऑफ द रिएक्टेंट ही रहेगा, ये रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर थर्ड आ जाएगा। तो सर इसका अपना क्वेश्चन वन का थर्ड ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की सर अपन बात करते हैं। क्वेश्चन टू सर अपन को जो बात कर रहा है वो बोल रहा है x ग्राम ऑफ एथेनॉल वाज सब्जेक्टेड टू कंबशन इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर एंड द हीट प्रोड्यूस्ड इज y जूल। देन सर यहां पे अपन को बॉम्ब कैलोरीमीटर की बात कर रहा है और एथेनॉल की है। बिल्कुल, बॉम्ब कैलोरीमीटर में जो है सर वो आप हीट जब कैलकुलेट करते हो या बॉम्ब कैलोरीमीटर में जब आप कोई भी फ्यूल लेके अगर उसका कंबशन करवाते हैं अपन, तो यहां पे जो हीट रिलीज होती है उसको अपन एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे मेजरमेंट करते हैं। ओके, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे मेजरमेंट कर रहे हैं इसका मतलब ये होगा कि अपन ने जो है वो हीट कैलकुलेट की है इंटरनल एनर्जी वाली, मींस चेंज इन इंटरनल एनर्जी आप कैलकुलेट कर रहे हो, ओवरऑल बात तो ये। अच्छा, कोई भी हीट जो होती है अगर आपको हीट बोल रहा है कि अपन को बोला गया कि देन, तो डेल्टा ई ये जो आएगी, ये डेल्टा ई आए डेल्टा एच आए, अपन यूनिट देखे तो यूनिट के अकॉर्डिंग जो आएगा वो पर मोल कैलकुलेट किया जाता है, एक बात इसका भी ध्यान रखना है अपन को। अब अगर इसके अकॉर्डिंग अपन बात करें कि x ग्राम इथेनॉल का कंबशन करवाया और y जूल आइए, तो अपन को डेल्टा e जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि y जूल आ रहा है फॉर x ग्राम ऑफ इथेनॉल के लिए। और सर एथेनॉल की बात करूं तो इसका ऑर्गेनिक के अकॉर्डिंग में फॉर्मूला बात करूं तो CH3CHO हो जाएगा सर। बिल्कुल सर, इसका मॉलिक्यूलर वेट 44 हो जाएगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट 44। सर अभी आपने एक इधर इंपॉर्टेंट बात बोली कि अपन डेल्टा ई पर मोल के लिए काउंट करते हैं, पर मोल के लिए काउंट करूं कि थर्मोकेमिस्ट्री में जितनी मोस्ट ऑफ द टर्म आएगी वो सारी सारी पर मोल के लिए पर मोल। बिल्कुल सही बात है सर, जितनी भी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है ना वो पर मोल की है, पर मोल के लिए आएगी। अपन को नहीं बोले तो अपन पर मोल के रिस्पेक्ट में सर बात करेंगे। अब सर अपन को यहां पे जो बात की है इसने x ग्राम के लिए बताई है y, तो सर मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं x ग्राम के लिए y जूल है, तो 1 के लिए y / x हो जाएगा। हां, तो 1 के लिए y / x, और 1 मोल की बात करूं तो 1 मोल का मतलब 44 ग्राम आ जाएगा, तो उस रिस्पेक्ट में बेटा उसके लिए हो जाएगा सर y / x (44)। अब एक्चुअल में सर ये हीट जो है वो रिलीज होने वाली है, जब हीट रिलीज होती है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, तो उसका साइन जो रहेगा वो नेगेटिव रहेगा, तो डेल्टा ई जो आना चाहिए वो आएगा माइनस वाई बाई एक्स इंटू 44, ये आएगा जूल पर मोल आएगा सर, एक मोल की कैलकुलेट किए, तो अपना आंसर जो बनना चाहिए डेल्टा ई इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स इंटू 44 बनेगा। तो सर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल सर, ये कभी अगर बॉम्ब कैलोरीमीटर दे दे और अगर अपन से नॉर्मली डेल्टा ई अभी जैसे पूछा है अपन ऐसे ही बोल दे हीट इतनी रिलीज हुई है, तो वहां पे हीट का मतलब जो होगा वो डेल्टा ई होगा, और फिर अपन से ये पूछ सकता बताओ एंथैल्पी कितनी होगी, तो अपने पास एक रिलेशन है डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा होती एनजीआरटी। सर इसका भी एक क्वेश्चन अपन ने नेक्स्ट में रखा है सर, और एक बच्चे ये भी याद रखें कि यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज सर ने बताई, एक तो पर मोल के लिए बात होगी पहली चीज,
दूसरी चीज साइन का बेटा इस पूरे थर्मोकेमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। सर साइन का ही रोल है पूरा थर्मोकेमिस्ट्री में, प्लस माइनस का ही रोल, प्लस माइनस का ही रोल रहेगा। तो सर ने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिया कि एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे और क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग करोगे तो इजीली अपना क्वेश्चन सॉल्व। हीट जब भी रिलीज होती है एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है तो उसमें डेल्टा एच नेगेटिव आएगा, और एंडोथर्मिक होता है तो डेल्टा एच पॉजिटिव बनेगा। चलिए सर आगे। बिल्कुल सर। तो सर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को बोल रहा है हीट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन बॉम्ब कैलोरीमीटर। अब जैसे ही बॉम्ब कैलोरीमीटर बात कर ली तो इसका मतलब ये क्लियर है कि अपन डेल्टा ई की बात जो दे रखा वो डेल्टा ई है, कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं। हमको दिया है डेल्टा ई माइनस 1415 किलो जूल। अपन को बोल रहा है रिएक्शन C2H4 प्लस 3O2 चेंज इनटू 2CO2 प्लस 2H2O। व्हाट इज द हीट ऑफ कंबशन ऑफ एथीन एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। जैसा अभी आपको सर ने बताया कांस्टेंट प्रेशर पे हीट अपन डेल्टा एच बोलते हैं और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट अपन डेल्टा ई बोलते हैं। और सर ने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया जब दोनों के रिलेशन की बात करें तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। बेटा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है डेल्टा एन जी, ये मैं आपको बता दूं दैट इज द गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट। यहां मैंने गैस की बात की है तो इस चीज का आप स्पेशली ध्यान रखें। यदि मैं रिएक्शन को चेक करूं तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग यदि अपन डेल्टा एन जी की बात करें तो प्रोडक्ट में लिक्विड को अपन काउंट नहीं करेंगे। बिल्कुल सर। तो प्रोडक्ट के गैस मोल आ गए 2, रिएक्टेंट के गैस मोल आ गए 4, तो यहां से ये -2 मिल गया। बिल्कुल। अब मैं यदि इसमें वैल्यूज को रखूं और कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट पूछी है दैट इज डेल्टा एच उसको काउंट करूं तो डेल्टा ई अपन को दिया है -1415 किलो जूल। इसे किलो जूल में ही रख लेते हैं बेटा, बाकी वैल्यूज को भी अपन किलो जूल में रखेंगे जिससे कैलकुलेट होके किलो जूल में आंसर आएगा क्योंकि ऑप्शन में अपन को किलो जूल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। यहां से अपन ने देखा डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी आपके पास आ गया -2, आर होता है 8.314 जूल में जब रखोगे तो 8.314, साथ में मैं इसे किलो जूल में कन्वर्ट कर रहा हूं तो अपॉन 1000 कर दिया। टेम्परेचर ऑलवेज शुड बी टेकन इन केल्विन, यहां पे 27 डिग्री सेल्सियस है, इसे केल्विन में कन्वर्ट करूंगा 300 केल्विन हो जाएगा। जैसे ही बेटा अपन इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके सॉल्व करेंगे तो ये अराउंड बेटा आपको मिलेगा -1419.98 के समथिंग मिलेगा अपन को। तो बेटा इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन का आपको स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि आपके पास एक ऑप्शन है 19 से समथिंग और एक है 20, बहुत नियर बाय है तो 0.98 है, इसके रिस्पेक्ट में अपन इस ऑप्शन में कंप्लीट परफेक्ट कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी सर, बिना कैलकुलेशन का अपना इसमें काम नहीं चल सही है। चले सर आगे। बिल्कुल सर। एक ये भी याद रखें कि जल्दी जल्दी में अपन इसको यदि 8.3 समथिंग मान के चलेंगे तो कैलकुलेशन में दिक्कत आ सकती है, तो इसको 3 डिजिट तक आपको बेटा जाना पड़ेगा। चले सर आगे। बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस द हीट ऑफ फॉर्मेशन इन द स्टैंडर्ड स्टेट इज 0। तो सर क्या बात करते हैं इसमें अपन। सर इसमें ये पूछा गया है कि सबसे स्थायी रूप की संभवन ऊष्मा शून्य किसकी होगी, जो अगर नेचर में मोस्ट स्टेबल फॉर्म में अगर कोई भी अगर सब्सटेंस मिलता है तो उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन मींस डेल्टा एचएफ जो होता है वो 0 होता है, लेकिन वो मोस्ट स्टेबल स्टेट होनी चाहिए। तो उनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, 0 होती है, मतलब उनको बनाने के लिए कोई एंथैल्पी चेंज नहीं होगा, उनको बनाने में एनर्जी चेंज नहीं होना चाहिए कोई भी। जैसे अगर अपन बात करें हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन की मोस्ट स्टेबल स्टेट है H2 गैस, इसकी डेल्टा एचएफ 0 है। ऑक्सीजन की बात करें तो O2 गैस है। अब ऑक्सीजन का एलोट्रॉप तो O3 भी होता है, लेकिन उसको बनाने के लिए आपको हीट देनी पड़ेगी, तो O2 की 0 होगी, O3 की 0 नहीं होगी। इसी टाइप से N2 की गैस की 0 है, मतलब जो स्टेबल वाला आ रहा है उनका 0 करना है। F2 गैस फिजिकल स्टेट भी ध्यान होनी चाहिए, Cl2 गैस, Br2 जो होना चाहिए वो लिक्विड में होना चाहिए, I2 जो होता है मोस्ट स्टेबल स्टेट में सॉलिड में मिलेगा। सिमिलर वे में कार्बन की बात करें तो ग्रेफाइट। बेटा कार्बन का ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहता है, ये ध्यान रखना सी डायमंड से ज्यादा स्टेबल सी ग्रेफाइट है थर्मोडायनेमिकली अपन बात करें तो, और इसका काफी यूजफुल अपने को क्वेश्चंस में भी मिलेंगे, तो ये ध्यान रखें सी डायमंड से ज्यादा स्टेबल क्या आएगा अपने पास, सी ग्रेफाइट। तो यहां से मेरे को ये समझ में आ रहा है कि ये सी डायमंड तो वैसे कैंसिल हो गया। बिल्कुल सर। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो सल्फर S8 होगा, S8 में भी रोम्बिक सल्फर, रोम्बिक मोनोक्लिनिक, और प्लास्टिक सल्फर होता है उसमें से अपन को S8 रोम्बिक वाला लेना, और फॉस्फोरस में ध्यान रखना है सर, व्हाइट फॉस्फोरस,
जबकि स्टेबल जो होता है वो ब्लैक फॉस्फोरस हो रहा है, लेकिन अपन यहाँ पे जो ले रहे हैं वो P4 व्हाइट वाले की डेल्टा HF जो होगी वो जीरो होगी। चाहो तो आप इसे एक्सेप्शनल केस मान लो, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये नेचर में जो होता है वो अप्रोक्सीमेट 99% मिलता है। तो यहाँ पे ये बोल सकता हूं कि क्वांटिटी या प्रोडक्शन जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट देन स्टेबिलिटी। पहली बात तो अपन थोड़ा सा यदि लॉजिकल सोचे, सी डायमंड नहीं है, बी नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन अपना सर रॉन्ग हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन अपना रॉन्ग हो जाएगा। सही बात है सर। अब सर अपन बाकी इसमें देख लेते हैं, सी डी ई इसमें भी कॉमन है, तो अपन जो नॉन कॉमन है उससे आंसर देख लेते हैं। जैसे अपन को बात कर रहा है सर यहाँ पे बेंजीन की बात कर रहा है, Br2 I2, तो अभी आपने बता दी कि I2 सर Br2 नहीं होगा, Br2 लिक्विड होना चाहिए, लिक्विड में होना चाहिए, और ये सॉलिड में होना, ये सॉलिड में ये भी नहीं आएगी। तो सर अपना डायरेक्टली आंसर अपन को मिल गया थर्ड CDE। बिल्कुल, बाकी आपको सर ने इसमें स्पेशली जो भी चीजें बनाना पड़ेगा सर, बेंजीन बनाने के लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी, सुगर बनाना पड़ेगा आपको तो उसमें भी हीट ऑफ फॉर्मेशन की रिक्वायर्ड होगी, इनमें नहीं पड़ेगी, ग्रेफाइट में जरूरत नहीं है, जिंक में जरूरत नहीं है, एल्यूमिनियम में जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी मोस्ट स्टेबल स्टेट में है। चलिए सर आगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। इसमें F2 plus 2HCl change into 2HF plus Cl2 delta H0 for this reaction is -352.18 kilojoule if delta H0 F, बेटा ये F का मतलब फॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में, हीट ऑफ फॉर्मेशन, HF is this one, then delta H0 F for HCl will be। तो बेटा यहां से एक चीज अपन को ये पता होनी चाहिए थर्मोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग कि हमको जो डेटा गिवन है वो फॉर्मेशन एंथैल्पी का गिवन है। सर अपन ऐसा एक बात करें तो मैं अगर जैसे बोलता हूं कि ये एक रिएक्शन है, X कन्वर्ट हुआ Y में, ठीक है, या फिर R कन्वर्ट हुआ P में, कुछ भी बोलो, अपन एक ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी आएगी वो डेल्टा H रिएक्शन आएगी। बिल्कुल सही बात है सर। अब चाहे ये रिएक्शन जो है वो चाहे फॉर्मेशन की हो चाहे कंबशन की हो, उससे कोई भी लेना देना नहीं है, मेरे को तो ये मालूम है ये डेल्टा H रिएक्शन आएगा, चाहे वो रिएक्शन कंबशन की लिखो फॉर्मेशन की लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आपको ये ध्यान रखना डेल्टा H रिएक्शन किसके बराबर आएगा, डेल्टा H रिएक्शन जो आएगा अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है तब तो डेल्टा HF ऑफ द P माइनस डेल्टा HF ऑफ द R के बराबर होगा। सर वही बात कर रहे हैं अपन, यदि फॉर्मेशन एंथैल्पीज के डेटा गिवन है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, पूछ क्या रहा है बेटा, दैट डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करेगा, उससे नहीं कि सर फॉर्मेशन पूछा है, बिल्कुल डेटा क्या गिवन है, डेटा यदि फॉर्मेशन का गिवन है तब तो आप फॉर्मूला लगाओगे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और यदि डेटा कंबशन का गिवन है तो लग जाएगा आर माइनस। तो अगर डेल्टा एच रिएक्शन की बात करूं वापस और कंबशन का डेटा गिवन है तो डेल्टा एच सी हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट, ये बेसिकली दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। सर एक बॉन्ड एनर्जी वाला भी इसमें अपन साथ, बॉन्ड एनर्जी वाला अगर सर अपन बात करेंगे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट ही हो जाएगा, लेकिन अपन उसको इस अप्रोच से करेंगे नहीं, अपन दूसरा अप्रोच बताएंगे उसके अंदर। तो बेसिकली ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है, इन दोनों फॉर्मूले में ध्यान आपको ये रखना गिवन डेटा क्या है, डेटा गिवन क्या है, पूछा है उसके अकॉर्डिंग तो अपन रिएक्शन लिखना है, अपन को पूछा है उसके अकॉर्डिंग तो रिएक्शन लिखो और जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई करो। बिल्कुल। अब जैसे यहाँ पे अपन को फॉर्मेशन एंथैल्पीज के डेटा गिवन है तो हमने बेटा फॉर्मूला जो सर ने बताया आपको डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच पी माइनस डेल्टा एच आर, ये लगाएंगे क्योंकि हमारे को गिवन डेटा फॉर्मेशन का है। सही बात है सर। यहाँ से डेल्टा एच बेटा अपन को डायरेक्टली गिवन है, कितना गिवन है डेल्टा एच, माइनस 352.18। अब अपन बात कर रहे हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में बेटा अपन बात करें तो HF के लिए हमको फॉर्मेशन एंथैल्पी गिवन है दिस वन। सही बात है, ये पर मोल की है सर, पर मोल। अभी अपन ने पहले भी बात की है कि जब तक नहीं बोले तो पूरी थर्मो केमिस्ट्री में जितने भी टर्म्स आएंगे वो सारे पर मोल के लिए ही बेटा डिफाइन किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 मोल की बात कर रहा है तो मैं बोल सकता हूं इसको 2 × −268.3। सही बात है सर। Cl2 की हो जाएगी जीरो, Cl2 की जीरो, ये अभी अपने गैस फॉर्मेट में डिस्कस किया था। ये तो प्रोडक्ट आ गया, माइनस रिएक्टेंट की बात करें F2 की सर अपने पास अगेन जीरो, HCl के 2 मोल है तो HCl के लिए ही पूछा है, मैं इसे सर x मान लेता हूं, x मान लो तो 2x हो जाएगा, ये सर 2x हो जाएगा। सही बात है सर, ठीक है सर। इसको थोड़ा सा यदि अपन कैलकुलेशन करें तो ये आया −352.18 इज इक्वल टू, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो सर ये आ जाएगा अपने पास 7 आ जाएगा सर, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 536 पॉइंट्स।
536.6 आ रहा है माइनस का, और ये माइनस माइनस का 2x माइनस का 2x उधर शिफ्ट कर दे सर, इसको इधर लेके जाए तो ये आएगा अपना 2x is equal to minus 536.6 plus 352.18, सही बात है सर, लगभग सर माइनस का 183.8 बन जाएगा, लगभग ये 2x जो आएगा वो माइनस का 183.8 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 183.42 आ जाएगा, 42 183.42 आएगा, डन सर। हाँ अब सर ये 2x आया है तो यहां से अपन को x निकालना है, तो x के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा सर, इसका 2 टाइम्स डिवाइड लगा रहे हैं, हाँ। और जैसे ही अपन इसका डिवाइड लगाएंगे तो मेरे ख्याल से ये 92.21 किलो जूल आएगा। बेटा कैलकुलेशंस वगैरह एक बार आप देख सकते हो, मेनली आप ये देखो इसमें लॉजिक क्या लगा रहे हैं। ये दो अप्रोच सर ने इंपॉर्टेंट बताई कि थर्मोकेमिस्ट्री में जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग तो रिएक्शन लिखनी है, और जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई करना है। उसमें भी मेनली अपन फॉर्मेशन और कंबशन की बात करें तो फॉर्मेशन में तो एचपी माइनस एचआर लेना है और कंबशन में एचआर माइनस एचपी लेना है, ठीक है सर। अगर इससे भी अगर बेसिकली ये फॉर्मूले याद भी नहीं रहे, अगर आपको लगता है कि ऐसा आ गया क्वेश्चन में, कभी हीट ऑफ फॉर्मेशन दे दे, कभी हीट ऑफ कंबशन दे दे, तो इसका बेसिक आइडिया ये रहता है सर, आप जो गिवन डेटा होता ना उसकी इक्वेशन बना के लिख दो, जो गिवन डेटा की इक्वेशन आएगी फिर लास्ट में इस इक्वेशन से आपको मैच करना है। जैसे सर आप इसकी इक्वेशन लिखो, जैसे HF की हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखे, जैसे तो सर जैसे HF की यदि अगर HF की हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात करूंगा तो हीट ऑफ फॉर्मेशन 1 मोल के लिए, तो अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं H2 प्लस F2 ये कन्वर्ट होगा HF में, ये 2 मोल के लिए बात होगी, ये 2 मोल तो अपन 1 मोल के लिए बात करते हैं, तो ये हाफ H2 आना चाहिए, हाफ F2 आना चाहिए, ये HF बन गया गैस में अगर दे रखा है तो, ये और ये डेल्टा HF हो गया, ये डेल्टा H1 मान ले सर इसको, ठीक है। दूसरा सेकेंड अपन को डेटा पूछा गया था HCl का कितना होगा, तो मैं कह रहा हूं HCl का होगा हाफ ऑफ दी H2 प्लस हाफ ऑफ दी Cl2, और ये कन्वर्ट होगा HCl गैस में। बेटा ये ध्यान रखें हमेशा ये पर मोल के फॉर्मेशन की ही बात, बिल्कुल सर इस चीज का ध्यान रखें, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये डेल्टा HF हो गया किसका, HF का, ये डेल्टा HF हो जाएगा HCl का। अब सर आप देखो इक्वेशन क्या फाइंड आउट करनी थी अपन को, इक्वेशन क्या लेके आनी है, इक्वेशन लेके आनी है F2 प्लस 2 टाइम्स HCl, ये इक्वेशन लेके आनी है 2HF प्लस Cl2, और इसका दे रखा अपन को -352.18 सर, ये लो। अब सर अपन नेक्स्ट पेज करें सर, अगर अपन ये करते हैं इसके अकॉर्डिंग डेटा, तो अपन को देखो F2 इधर ही रखना है सर, इन दो इक्वेशन का यूज करते हुए ये वाली इक्वेशन लानी है, इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट ऑफ थिंग, क्योंकि हमको F2 चाहिए और यहां हाफ F2 है, इसलिए अपन इधर 2HCl चाहिए तो यहां पे भी 2 का मल्टीप्लाई, फिर इक्वेशन 1-2 कर दे सर आप, क्योंकि अपन को यहाँ पे जो HCl है ये अपन को लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, और जैसे ही रिएक्शन को इन्वर्ट किया बेटा तो डेल्टा H का साइन माइनस होगा, याद रखना केमिकल इक्विलिब्रियम और इसमें डिफरेंस है, डिफरेंस वहां पे अपन रिएक्शन इन्वर्ट करते थे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रेसिप्रोकल करते थे, यहाँ पे जब डेल्टा एच की बात होगी रिएक्शन को इन्वर्ट करेंगे तो डेल्टा एच का साइन चेंज होगा, वो इन्वर्ट नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो जब आप इक्वेशन 1-2 करोगे तो आपको इक्वेशन ये वाली मिल जाएगी, पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि डेल्टा एच आपस में एड हो सकता है क्योंकि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो 2 टाइम्स डेल्टा H1 माइनस 2 टाइम्स डेल्टा H2 इज इक्वल टू गिवन रिएक्शन का डेल्टा H जो होगा -352.18। अब आप अगर ये अप्लाई करोगे तो सेम आंसर आएगा जो पहले वाला आया था, बस ये है कि इसमें आपको रिएक्शंस बनानी आनी, रिएक्शन बनानी पड़ेगी, और यदि आपको डायरेक्ट बेटा फॉर्मूला याद है तो जैसा भी अपन फॉर्मूला याद है तो उसका तो सर कोई मतलब तोड़ ही नहीं है, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें एक हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है, कंबशन दे रखी है, और आप कंफ्यूज हो जाओ, तो उस कंडीशन के लिए आप इक्वेशन बना लो, और इक्वेशन से फाइनल इक्वेशन ये वाली लेके आनी है, तो कैसे लेके आओगे वो चीज ध्यान होनी चाहिए आपको, तो ओवरऑल डेल्टा एच को प्लस माइनस करना मल्टीप्लाई करके सर। चले सर आगे, बिल्कुल सर। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है इफ एच प्लस O2 चेंज इनटू SO2, SO2 प्लस हाफ O2 चेंज इनटू SO3, SO3 प्लस H2O चेंज इनटू H2SO4, H2 प्लस हाफ O2 चेंज इनटू H2O, देन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 एट 298 केल्विन विल बी। बेटा वैसे तो ये क्वेश्चन अपन थर्मोकेमिस्ट्री में बोल रहे हैं, लेकिन सिंपली इसमें जो अभी सर ने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया बिल्कुल वही है, आपको H2SO4 का फॉर्मेशन रिएक्शन लिखनी है और इन चारों रिएक्शंस को ऑपरेट करके उसके अकॉर्डिंग चेंज करना, सही बात है सर। सर अगर H2SO4 की अगर अपन इक्वेशन लिखे तो ये बनेगा H2 प्लस सल्फर प्लस 2O2। अब बेटा यदि सर ने जैसा बताया, हां ये आपने इक्वेशन लिखी, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही है सर ये इक्वेशन,
अगर मेरे से ये इक्वेशन लिखी हुई और बोले ये हीट ऑफ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती है क्या, तो फिर गलत होगा, क्योंकि वहां पे हीट ऑफ फॉर्मेशन अपन बोलते हैं कि मोस्ट स्टेबल नेचुरल स्टेट से बनना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो इस कंडीशन में फिर तो ये होता है H2 गैस प्लस सल्फर लेना पड़ता S8 जो अभी आपने रोम्बिक वाला बताया। बिल्कुल सर। तो 1/8 S8 हो जाता प्लस 2O2 गैस हो जाता, बस ये डिफरेंस आता। तो ये तो तब सर जब क्वालिटेटिव की बात करें। और दूसरी बात, अपन को यहाँ पे जो गिवन रिएक्शन है उनको भी देखे तो वहां पे एसिड नहीं लिख रहा, इसलिए अपन ने ये यूज किया, अदरवाइज राइट ऑप्शन उसका हो ही जाएगा। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो सर लिख सकते हो, आपको अलाउ है, लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि ये हीट ऑफ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता है, तो फिर ये गलत होगा और ये वाला सही हो जाएगा। अभी अपन को न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी, इक्वेशन सही है। तो अब अपन को कुल मिला के ये डिजायर्ड इक्वेशन अपन को ऊपर वाली रिएक्शन से लानी है। वही सर ने जो अभी फंडा बताया कि रिएक्शन को इन्वर्ट करोगे तो डेल्टा एच का साइन चेंज होगा, रिएक्शन को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा एच से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेटा ये चीज मैंने इधर इसलिए रिपीट की क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है और जो इधर डेल्टा एच है वो दोनों डिफर होते हैं। वहां पे रिएक्शन इन्वर्ट करने पे के इक्विलिब्रियम 1/2 करते थे, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ये ब्लंडर मिस्टेक करते हैं, थोड़ा सा इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बेटा अपन बात करें, मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में H2 चाहिए और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में H2 इस रिएक्शन में है, तो मैं इसको एज इट इज रख लेता हूं। सही। सल्फर की बात करूं, मुझे लेफ्ट हैंड साइड में सल्फर चाहिए, इस रिएक्शन में सल्फर है तो मैं इसको इधर ही बात कर लेता हूं। बिल्कुल सही। मेरे को SO2 SO3 नहीं चाहिए, तो बेटा एक बार मैं इन सबको ऐड कर लेता हूं। ऐड करते हैं बेटा, तो रिएक्टेंट के साथ रिएक्टेंट ऐड होता है, प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्ट। तो अपने देखा SO2 से SO2 गया, SO3 से SO3 गया, S मिल गया जो चाहिए हमको, H2 मिल गया जो चाहिए हमको, H2O से H2 हो गया, H2O और H2O 1O2 और ये 1O2 के साथ आया तो 2O2 आ गया। तो मतलब इन चार रिएक्शन को ऐड करेंगे तो अपनी डिजायर्ड रिएक्शन ये बन जाएगी जो H2SO4 के 1 मोल फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, और अपन को पता है फॉर्मेशन हमेशा 1 मोल के रिस्पेक्ट में बात की जाती है। अब अपन ने इन चारों को ऐड किया तो इनके डेल्टा एच भी अपन आपस में क्या कर देंगे, चारों ऐड हो जाएंगे सर। और तो चारों के सिंपलीफाई अगर ऐड करोगे तो आप माइनस का 814.4 किलो जूल आ जाएगा। तो सर अराउंड अपने पास ये आना चाहिए। देखो इन दोनों में भी यहां जैसे साइन के लिए ध्यान रखना पड़ेगा। चले सर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, द स्टैंडर्ड मोलर हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, बेटा फिर से देखिएगा हमको फॉर्मेशन एंथैल्पीज गिवन है, गिवन डेटा इस बार ये, तो फॉर्मेशन एंथैल्पी गिवन है, तो डायरेक्ट पहले मैं ये लाइन पढ़ के बोल सकता हूँ कि फॉर्मूला जो लगेगा वो HP-HR लगेगा। सही बात है सर। सही है सर। आगे बोल रहा है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड मोलर हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथेन। मैंने बोला था आपको जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन लिखनी है और जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिखना है। तो मैं स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथेन की रिएक्शन लिखूं तो बेटा एल्केन के कंबशन की स्टैंडर्ड रिएक्शन ये होती है, ये आपने ऑर्गेनिक में पढ़ी है, CnH2n+2 + 3n+1 / 2O2 चेंज इनटू NCO2 + n+1H2O। यहां पे n नंबर ऑफ कार्बन बता रहा है। अब यदि इथेन की बात करें तो होगा C2H6, मतलब n = आपको 2 लेना है, तो जैसे ही आप लोग तो C2H6 + 7/2O2 चेंज इन टू 2CO2 + 3H2O। डन बेटा। ये अभी तो कोई दिक्कत नहीं है कि सर ये इथेन था, आप वैसे भी लिख सकते थे, लेकिन ज्यादा हाई नंबर वाला हाइड्रोकार्बन आ जाए तो आप ये डायरेक्टली वैल्यू रखोगे तो बैलेंसिंग की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर से एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथेन बात कर रहे हैं, हमेशा 1 मोल की बात की जाती है और यहाँ 1 मोल ही है, तो इस चीज का बेटा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं तो डेल्टा एच क्या आएगा, HP-HR, प्रोडक्ट में 2 मोल CO2 है, तो CO2 की कितनी दी है सर अपन को, CO2 की दी है -94.1, तो 2 × -94.1। फिर अपन से बात कर रहा है 3 मोल वाटर, 3 मोल H2O लिक्विड वाटर की दी है, तो 3 मोल -68.3 है, ये तो अपना आ गया प्रोडक्ट। रिएक्टेंट की बात करता हूं मैं, 1 मोल इथेन, इथेन के 1 मोल की दी है आपको -21.1, और जैसा सर ने बताया O2 अपना स्टेबल है, तो सर कंबशन करवाता है खुद का कंबशन, हाँ, तो हीट ऑफ कंबशन कुछ होगी नहीं, होगी नहीं इसकी, तो सर अब अपन को इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। तो कैलकुलेशंस का एक बार आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, 2 times इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा अराउंड आपके पास -188.2। सही बात है सर। और 3 times इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का ही चलेगा, 194.9 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस +21.1 आएगा। तो सर इसको अपन कैलकुलेट कर ले थोड़ा सा,
तो कितना हो जाएगा सर, ये अराउंड 370 के समथिंग चला जाएगा। बिल्कुल सर। और ये माइनस का 370, ये प्लस 21 है, तो माइनस का 372 के आसपास आ जाएगा सर। हाँ, तो थोड़ा सा यदि आप कैलकुलेट करके इसको देखोगे तो आई थिंक ये माइनस 372 समथिंग आ रहा है। कैलकुलेशंस वगैरह बेटा एक बार आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है? तो सर इसका अपना थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल सर। चले आगे। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन किलो जूल इज रिलीज। रिलीज की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। मतलब साइन इसने अपना आप अंडरस्टूड हो गया। हाँ। कि रिलीज है तो नेगेटिव आएगा। अब इसने ओनली फॉर अमाउंट की बात की है, तो मतलब तो केवल मैग्नेटिव की बात की है। कंबशन ऑफ 5.8 ग्राम ऑफ ब्यूटेन C4H10 का मतलब बेटा ब्यूटेन की बात होती है। इक्वेशन भी दे दिए सर। अगर यहाँ पे अगर अपन देखे तो वहां पे 2 मोल के लिए ये आई है, 2 मोल C4H10 के कंबशन की एंथैल्पी चेंज जो है वो इतना है। तो इसका मतलब ये होगा कि 1 मोल के लिए अगर मैं बात करता हूं तो 1 मोल के लिए हो जाएगा इसका हाफ, क्योंकि अपन जो बात करते हैं वो हमेशा 1 मोल के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। यदि कंबशन बोलना है। बिल्कुल सर। अब ये कंबशन की एंथैल्पी आ गई। अगर आपसे कंबशन की एंथैल्पी पूछता तो आंसर ये आता ना कि ये जो दे रखा है ये नहीं होता। अब अपन से पूछा है कि 5.8 से कितना होगा, 1 मोल ब्यूटेन का मतलब हो गया 58 ग्राम। तो ये 58 ग्राम के लिए, तो अगर 5.8 के लिए पूछा जा रहा है तो ये सिंपल सा ये हो जाएगा माइनस 575.6 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा सर। तो ये हो जाएगा 287.8। तो कुल मिला के सर ने आपको ये बोला, पहली बात तो ये हीट ऑफ कंबशन अपन इसे कॉल नहीं कर सकते, ये हीट ऑफ कंबशन नहीं है, ये 2 मोल की, इसलिए हीट ऑफ कंबशन नहीं है। तो इसको अपन ने पहले 1 मोल में कन्वर्ट किया, ये अपनी हीट ऑफ कंबशन होगी। और हीट ऑफ कंबशन 1 मोल, किसका कंबशन हो रहा है, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर वेट 58 ग्राम, मतलब 58 ग्राम के लिए इतनी है, तो 5.8 ग्राम के लिए कितनी होगी। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस यहाँ पे क्वेश्चन इसलिए डाला ये आपको क्लियर हो जाए कि डायरेक्ट आप 2 मोल से कैलकुलेट नहीं कर सकते। चले सर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा बात करें, हीट ऑफ कंबशन ऑफ H2 दिस वन, और आपको ये C दे रखा है C2H5। ये सब कंबशन की एंथैल्पी है सर, सबके कंबशन की है, हाइड्रोजन की भी, कार्बन की और इथेनॉल की भी, सबके कंबशन की कंबशन की दे रखी है। तो सर मतलब अपन को कंबशन का डेटा दे रखा है। हाँ। तो सर कंबशन का डेटा दे रखा है तो अपन क्या डेटा से, सर डेटा ओवरऑल तो उस काम के लिए आएगा कि हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, उस काम के लिए आएगा। पूछा है हीट ऑफ फॉर्मेशन, तो इक्वेशन फॉर्मेशन की लिखनी है आपको। अगर C2H5OH की हीट ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखूं तो 2 कार्बन लिखना है, प्लस 3H2 लिखना है, प्लस हाफ O2 लिखना है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा सर C2H5OH। ये आपकी डिजायर्ड इक्वेशन है, इसका डेल्टा H कैलकुलेट करना है। इस रिएक्शन का जो डेल्टा H होगा वो डेल्टा HF ऑफ इथेनॉल ही होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अपन ने यहाँ पे 1 मोल इथेनॉल का फॉर्मेशन किया है। तो सर आप इसका डेल्टा एच अपन कैलकुलेट कर लेते हैं कि डेल्टा एच जो होगा वो हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा, क्योंकि अपन को कंबशन दे रखा है। तो मैंने सिंपल कंबशन की टर्म HR माइनस HP, सही बात है सर। बिल्कुल सर। तो यहाँ पे यदि अपन वैल्यूज की बात करें, रिएक्टेंट के लिए बात करोगे तो 2 मोल कार्बन है, तो 1 मोल की 393.5 है नेगेटिव में, तो 2 मोल की मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। फिर अपन को बोला 3 मोल H2 O2 कंबशन करवाता है, कंबशन होता नहीं है, तो इसका कुछ नहीं है। तो ये तो रिएक्टेंट सर अपना कंप्लीट हो गया। प्रोडक्ट की बात करें सर अपन, तो प्रोडक्ट भी एक ही मोल है, 1 मोल ही है, तो सर यही ले लेंगे अपन। यहां से इसे अपन को कैलकुलेट करना, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा सर। तो सर कैलकुलेट करें अपन इसको, तो थोड़ा सा इसको चेक करें अपन, ये कितना हो जाएगा सर। एप्रोक्सीमेट रफली आइडिया ले लो, अगर आप इसको 400 कंसीडर करते हो तो ये 800 हो गया, और इसको 250 कंसीडर करते हो तो 750, माइनस में आ गया 1550 रफली आइडिया, रफली आइडिया। और ये प्लस का हो गया 1234, तो इसका मतलब माइनस का एप्रोक्सीमेट 300 के आसपास बनेगा, माइनस का 300। तो सर इसको मतलब अपना ये थर्ड सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाना चाहिए। चले सर आगे। बिल्कुल सर। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में जो सर ने एप्रोक्सीमेशन बोला वो लेंगे तो टाइम, तो ऑप्शन बहुत दूर दूर है फर्स्ट ऑफ चीज, ये चीज जरूर ध्यान रखें, ऑप्शन क्लोज है तो फिर आप ये तरीका नहीं ले सकते। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बोल रहा है, इन द कंप्लीट कंबशन ऑफ इथेन 54 ग्राम ऑफ वाटर इज फॉर्मड एंड 370 किलो कैलोरी ऑफ हीट इज इवॉल्व, हेंस हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथेन इज। सर इसमें एक चीज ये दे रखी है आपको, ये बोला है कि C2H6 का कंप्लीट कंबशन कराना, तो 54 ग्राम वाटर तो बनेगा, साथ में 370 किलो कैलोरी जो है वो हीट भी रिलीज होगी।
सर मेरे को ये आइडिया नहीं कि इसने C2H6 कितना मोल बोला, ये मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं है C2H6 कितना मोल बोला है, लेकिन मेरे को ये जरूर मालूम चला है कि 54 ग्राम अगर वाटर बन रहा है फाइनल में, इसका मतलब 3 मोल जो है वो H2O बनेगा। तो सर कुल मिला के ये थोड़ा स्ट्रोइकोमेट्रिक सा क्वेश्चन जा चुका है। अगर 3 मोल H2O बनता है, अगर अपन को मालूम नहीं है ना, अपन को इक्वेशन लिखनी है, तो मैं ये बोल दूं अगर 3 मोल H2O बना है तो यहां पर इसका मतलब 6 मोल हाइड्रोजन आ गए। बिल्कुल सर, एटम की बात कर रहा हूं सर, अगर 6 मोल हाइड्रोजन एटम आया है तो अगर मैं बात करूं कि रिएक्टेंट की साइड में भी 6 हाइड्रोजन होने चाहिए, अगर रिएक्टेंट की साइड में अगर 6 हाइड्रोजन होगा तो सिंपल सी बात हो गई C2H6 का 100% एक ही मोल होगा फिर। और सर अपन ये भी बोल सकते हैं कि 1 मोल के रिस्पेक्ट में 3 मोल बन रहे हैं, बिल्कुल ये इक्वेशन से भी हो जाएगी, डायरेक्ट अपना 1 मोल आ गया, 1 मोल है इथेन के कंबशन की रिएक्शन लिख ली, तो टोटल मिला के हमको जो बोला है वो 1 मोल इथेन के लिए बात कर रहा है कंप्लीट कंबशन, जिसमें 370 किलो कैलोरी हीट रिलीज हो रही है। जो 1 मोल की हीट होती है उसी को अपन हीट ऑफ कंबशन बोलते हैं, और ये वही दे रखी है, तो इसका मतलब सर डायरेक्टली अपने पास 370 किलो कैलोरी, लेकिन सर प्लस माइनस दोनों है, इसने बोला हीट रिलीज हुई है, जब हीट रिलीज होती है तो साइन आता है नेगेटिव, तो उसके अकॉर्डिंग डेल्टा एच जो आएगा एंथैल्पी ऑफ कंबशन वो नेगेटिव में आएगा। तो बेटा ये जरूर ध्यान रखना रिलीज है इसलिए माइनस है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट ऑप्शन अपना लॉलीपॉप दिख रहा है अपन को यहाँ पे और अपन ने डायरेक्ट इसको टिक कर दिया, तो हीट रिलीज है तो आपको नेगेटिव लेके चलना पड़ेगा। चले सर आगे। बिल्कुल सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की सर यहाँ पे बात करते हैं, इफ डेल्टा एच नॉट एफ एथीन का दे रखा है, इथेन का दे रखा है, देन हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की बात की है, तो सर जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग तो मैं पहले रिएक्शन लिख दूं। बिल्कुल तो सर, मैं सिंपल बोल सकता हूं C2H4 हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन ऐड करना 1 मोल, और यह अपन बोल दें कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसे कंप्लीट सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना, तो एल्कीन और एल्काइन अनसैचुरेटेड होता है और अपना ये जो है एल्केन वो सैचुरेटेड हो जाएगा। यहां पे सर हमको सिंपल सा फॉर्मेशन के डेटा गिवन है, तो आपको जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग तो मैंने रिएक्शन, ये डेल्टा एच रिएक्शन हो गया, और जो दिया है उसके अकॉर्डिंग अपन को पता लगा फॉर्मेशन गिवन है, तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं HP-HR होगा। सही बात है सर, तो यहां से अपन बेटा बात करें तो HP इथेन के लिए बात करें तो इथेन के फॉर्मेशन के अंदर दे रखी है हमको X2, और रिएक्टेंट में बात करें C2H4 की दे रखी है X1, H2 की 0 होगी, स्टैंडर्ड है, इसलिए स्टैंडर्ड है, मोस्ट स्टेबल है, तो यहां से हमको बेटा सिंपल मिलेगा इसके लिए X2-X1, तो अपन यहां पे देखें बेटा इसको थोड़ा सा कम करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, X2-X1 ये आएगा, तो अपना थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट होना चाहिए। सही बात है सर, चले आगे। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ H2 एंड N2 आर दिस वन एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 इज दिस वन, देन व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ NH3। बेटा यहां पे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सर जो दिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, तो सर इसके लिए अपन क्या बात कर सकते हैं सर? अगर ये कंपाउंड दे रखा है, अगर कंपाउंड दे रखा है तो अगर 1 मोल कंपाउंड लेना है आपको, ये 1 मोल कंपाउंड इन गैसेस स्टेट, 1 मोल कंपाउंड इन गैसेस स्टेट हो, उसमें जितने भी बॉन्ड प्रेजेंट है उन सारे बॉन्ड को ब्रेक करके गैसियस एटम बनाने हैं, गैसियस एटम बनाने हैं, जो एंथैल्पी चेंज होगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, उसी को अपन बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो 1 मोल कंपाउंड लेना है, सारे बॉन्ड ब्रेक करके उसको गैसियस एटम में कन्वर्ट करने के लिए जो डेल्टा एच आएगा उसी को एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोलेंगे। अब इस वाले केस के लिए अगर अपन बात करें, अगर ये NH3 गैस होगा तो इसका मतलब फाइनल में N गैस बनना चाहिए, बिल्कुल सही बात, प्लस 3H गैस बनना चाहिए, यहां डेल्टा एच रिएक्शन जो आएगा वो आएगा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन फर्स्ट ऑफ थिंग। सेकंड नंबर ये हो गए सर कि इस अमोनिया में 3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड थे, तो जब ये 3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक भी करोगे तो ये एंथैल्पी इसी में कन्वर्ट होगा, तो मैं ऐसा बोल दूं क्या एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो आएगा 3 times बॉन्ड एनर्जी ऑफ NH बॉन्ड, बिल्कुल NH बॉन्ड के 3 times आएगी। अब अपन को जो यहाँ पे ऑप्शन वगैरह मिलेंगे तो आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है हीट ऑफ एटोमाइजेशन जो है वो बॉन्ड एंथैल्पी के बराबर है या नहीं, अभी तो नहीं है इस वाले केस के अंदर। तो अब अपन को ओवरऑल ये पूछा है कि NH3 को N गैस और 3H गैस में ब्रेक करने के लिए कितनी एंथैल्पी रिक्वायर्ड होगी। बंद वियोजन ऊर्जा दे रखी है H2 और N2 की, तो सिंपल सा है H2 को जो है वो आपको गैसेस एटम में कन्वर्ट करना है 2H, इसकी दे रखी है, और N2 के लिए भी आपको दे रखी है 2N में कन्वर्ट करने की। ये लो सर, ये ओवरऑल बात हो गई। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं
कि इसका भी बॉन्ड ब्रेक करना है, ये भी बॉन्ड ब्रेक करना है, बॉन्ड ब्रेक करना है। बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है और नया बॉन्ड जब बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो जो बॉन्ड ब्रेक करना है इक्वेशन में उसकी तो आप एनर्जी लिख लो पॉजिटिव में, और जो बॉन्ड नया बना है उसकी एनर्जी लिख लेते हैं अपन सर नेगेटिव में। ठीक है सर, उसके अकॉर्डिंग अपन बात करें तो अपन को ऐसा दे रखा है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया दे रखा है, तो हाफ ऑफ दी एन टू प्लस 3/2 H2 इक्वल टू अमोनिया। बेटा याद रखना बात वन मोल फॉर्मेशन मोल की, बेटा इस चीज की ध्यान रखना, यदि हाफ हटा देते हो तो 2NH3 फॉर्मेशन हो रहा है, तो अपन वन मोल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं जो बताया। अब अगर अपन बात करें तो अगर जब ये डेल्टा एच रिएक्शन हो गया, ये डेल्टा एच रिएक्शन जो आएगा वो इसके बराबर आना चाहिए क्योंकि फॉर्मेशन गिवन दे रखा है अपन को, अपन को फॉर्मेशन है तो मैंने उसके अकॉर्डिंग लिख दिया। एक तो एन टू का बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो ये देनी पड़ेगी तो हाफ इंटू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी ऑफ एन टू। बिल्कुल सही बात है, 3/2 ये भी बॉन्ड ब्रेक करना है तो ये हो गया एच टू माइनस, ये पूरा का पूरा बॉन्ड क्या करना है आपको बन रहा है तो ये एनर्जी क्या होगी रिलीज होगी और ये किसके बराबर आएगा हीट ऑफ एटोमाइजेशन ये आ जाएगा सर। अब ये जो डेटा है वो अपन अगर पुट कर देते हैं तो अपना आंसर बन जाएगा डेल्टा एच रिएक्शन दे रखी है माइनस की 46 किलो जूल, ये लो एन टू की बॉन्ड एनर्जी दे रखी है 941.81 डिवाइड बाई 2 हो जाए, एच टू की दे रखी है 436 तो 3/2 इंटू 436 बिल्कुल माइनस एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ये आ जाएगा सर। ये अप्रोक्सीमेट अगर अपन बात करें तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इधर आ जाएगा डेल्टा एच ए बराबर ये 940 है तो ये लगभग 470 हो जाएगा, ये जो होगा वो 654 हो जाएगा प्लस 46 आके और ऐड हो जाएगा तो ये मिलके हो गया 1170 के आसपास आ जाएगा। बिल्कुल सही बात, सेकंड आंसर हो जाएगा। तो बेटा हीट ऑफ एटमाइजेशन में जो कंफ्यूजन था वो सबने आपको दूर कर दिया। एक मोल कंपाउंड लेना है गैसेस कंपाउंड होना चाहिए, उसको वापस गैसेस एटम में ब्रेक करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसे बोलते हैं हीट ऑफ एटमाइजेशन। और ध्यान रखिएगा यदि ब्रेक कर रहे हैं तो पॉजिटिव लेके चल रहे हैं और बनेगा रिलीज हो रही है तो माइनस लेके चलेंगे, बिल्कुल साइन का आपको ध्यान रखना। एक तो सबने आपको बॉन्ड एनर्जी का ये बता दिया जिसमें साइन बताया, बेटा वैसे आप ध्यान रखिए यदि बॉन्ड एनर्जीज अपन को गिवन है जैसे अभी तक अपन फॉर्मेशन और कंबशन की बात करें तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लग जाएगा, बॉन्ड एनर्जी गिवन है तो आप डायरेक्ट रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करके करोगे तो भी ऐसा ही होगा। चलें सर आगे। बिल्कुल सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन यहां पे बेटा बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अपन को फॉर द रिएक्शन CH4 चेंज इनटू C+4H C2H6 चेंज इनटू 2C+6H देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC बॉन्ड इज, CC बॉन्ड की एनर्जी पूछी है सर, CH4 की बॉन्ड एनर्जी दे रखी है मतलब हीट दे रखी है, एनर्जी कितनी होगी मैं अगर यहाँ पे बात करूं तो CH बॉन्ड की एनर्जी हो जाएगी X1/4 ये आ जाएगा। अब सेकेंड अपन चले C2H6 में तो C2H6 में लास्ट में ब्रेक तो ये भी 2C में हुआ प्लस 6H में हुआ और इसकी X2 आई है, तो सर अगर X2 आई है तो आप ये देखें इसमें एक तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करना है और 6CH के बॉन्ड ब्रेक करने हैं आपको, तो मैं ऐसा बोल दूं क्या कि कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करना है मैंने उसे मान लिया वाई, 6CH के बॉन्ड ब्रेक करने तो एनर्जी देनी पड़ेगी, एक बॉन्ड ब्रेक करने का X1/4 है तो 6×X1/4 बिल्कुल, और ये ओवरऑल सारे बॉन्ड ब्रेक हो गए तो उसके लिए एनर्जी कितनी चाहिए थी X2। बस सर ये अपना आंसर आ गया Y=X2-1.5X1। सिंपल सा ये गणित लगानी है, बॉन्ड ब्रेक करना है तो एनर्जी देनी है और बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज करवानी है, मैंने उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग किया है X2-1.5X1 4 आंसर आ जाएगा सर। ठीक है, इसमें ये जरूर याद रखें जैसा प्लस माइनस सर ने चिन्ह साइन का बताया, साइन यदि गलत कर दोगे तो बेटा ऑप्शंस में झंझट हो जाएगा, यदि ब्रेक करना है तो प्लस लेके चलना है, रिलीज करना है तो माइनस लेके चलना है। चले सर आगे। बिल्कुल सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बेटा यहाँ पे बात करते हैं, गिवन द फॉलोइंग बॉन्ड एंथैल्पीज, तो बेटा अपने को आज डायरेक्ट बॉन्ड एंथैल्पीज दी है तो जैसा मैंने पहले बताया आप डायरेक्ट ये भी बोल सकते हो डेल्टा एच इज इक्वल टू HR-HP, क्योंकि फॉर्मूला याद है तो आपको इतना डिटेल में नहीं जाना पड़ेगा, डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर सकते हो, आपको जो डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया
और जो रिएक्शन दी है उसमें अब अपन फॉर्मूले में अब अपन को सर अगर ये आप अप्लाई करते हो तो सारे बॉन्ड एंथैल्पी रखनी पड़ेगी फिर बॉन्ड एंथैल्पी रखनी पड़ेगी और अपन को इनका स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए जैसे C2H4 की बात करूं तो ये इस तरीके से बनेगा अपना HCl की बात करूं ये है तो यहां भी बेटा एक चीज याद रखें ये सिंगल बॉन्ड है हां तो सर ओवरऑल बात ये हो गई ना आप ये चारों एक तो वहां से सी डबल बॉन्ड सी ब्रेक हो बिल्कुल जो ब्रेक होने वाले हैं उनको एनर्जी देनी पड़ेगी तो उसको पॉजिटिव में लिख देंगे अपन बिल्कुल सही बात और जो एनर्जी नया बॉन्ड बनेगा वहां पे एनर्जी रिलीज होगी तो मैं नेगेटिव में लिख दूंगा तो एनर्जी दर बात है ना तो अपन पहले ये चेक कर लेते सर कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ एक तो सी डबल बॉन्ड सी ब्रेक हुआ है बिल्कुल सी डबल बॉन्ड सी की 615 है पहले तो अपन ये बात कर लेते फिर उधर दो हाइड्रोजन सर वहां पे थे और दो हाइड्रोजन यहाँ पे सस्टेन है इसका मतलब ये बॉन्ड तो ब्रेक नहीं हुआ ये इनका कुछ भी नहीं करना अपन को फिर दूसरे वाले कार्बन पे दो हाइड्रोजन थे लेकिन अभी भी दो हाइड्रोजन है इसका मतलब सर इनका कुछ नहीं हुआ अब आओ HCl का एक बॉन्ड ब्रेक हुआ सर HCl की बॉन्ड एनर्जी 432 है ये लो ये देनी पड़ेगी सर इधर आया तो एक कार्बन हाइड्रोजन का नया बॉन्ड बना है एक कार्बन Cl का भी नया बॉन्ड बना है तो कार्बन हाइड्रोजन का सर 415 है 415 ये लो सर माइनस में आएगी क्योंकि बन रहा है बन रहा है और कार्बन सीएल का है सर 328.5 ये भी माइनस में आएगा सर बिल्कुल सही बात है अब सर जोड़ बाकी तो बननी है ओवरऑल तो हिसाब किताब भी करना है 5 और 2 7 इधर हो गया 1047 हो गया सर ये 1047 हो गया सर बिल्कुल सही बात ये नेगेटिव में आएगी ये नेगेटिव में आएगी तो 0.5 हो गया ये 743.5 ये आ गया सर ये एनर्जी आपको देनी पड़ी है और ये एनर्जी रिलीज हुई है तो इसका मतलब आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ी है अगर एनर्जी ज्यादा देनी पड़ी है इसका मतलब सर कहीं दिक्कत तो नहीं होगी 615 प्लस 432 सर ये तो 1047 ही आ रहा 104 एक सी डबल बॉन्ड सी का ब्रेक है हां सर एक सेकंड यहां पे सर जब सी डबल बॉन्ड सी बना तो एक सी सिंगल बॉन्ड सी भी कंसीडर हुआ है तो सी सिंगल बॉन्ड सी की कंसीडर है 348 इसमें और करो तो ये माइनस में बन जाएगा अब और डेटा ज्यादा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0.5 ये हो जाएगा 1 ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा ये वाला ये आ गया सर माइनस में माइनस वाली हीट ज्यादा है एज कंपेयर टू पॉजिटिव के तो ओवरऑल एनर्जी रिलीज होगी माइनस में आंसर आना चाहिए फर्स्ट ऑफ चीज तो ये आंसर होगा नहीं और वो होगा नहीं ये 1081 में से 1047 अगर आप माइनस करोगे तो 44.5 आ जाएगा वो भी नेगेटिव में तो बेटा या तो आपको जो सन ने एक स्टैंडर्ड तरीका बताया वो तभी हो पाएगा जब आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है डायरेक्टली आप अप्लाई कर रहे हो और यदि बेटा आपको इसमें थोड़ा सा ये लग रहा है कि सर कोई टर्म जैसे अपन भूल सकते हैं तो आप डायरेक्टली HR-HP करो लेकिन उसमें भी आप फिर सारे का खोलने पड़ेंगे कैलकुलेशन लंबी होगी लेकिन बॉन्ड खोलने पड़ेंगे जैसे इधर HR की बात करूं तो 4 CH बॉन्ड वाले लेने पड़ेंगे एक सी डबल बॉन्ड सी वाला लेना पड़ेगा एक HCl वाला लेना पड़ेगा ये तो रिएक्टेंट होगा प्रोडक्ट में एक सी सिंगल बॉन्ड सी लोगे पांच सी एच बॉन्ड लोगे क्योंकि दो एरे एक एरा बिल्कुल और एक सी सी एल वाला लोगे बिल्कुल फिर दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको डायरेक्ट ये आंसर भी मिलेगा दोनों सेम बात बेटा इसमें ये ध्यान रखना है जैसे यहाँ पे आपने सी सिंगल बॉन्ड सी छोड़ दिया तो बेटा अपना आंसर फिर मैच नहीं होगा तो बॉन्ड सारे अपन को कंसिडर करना है इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है चले सर आगे बिल्कुल सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा बात करें Following bond energies are given. How much energy would be required in the reaction? Sir, as it is same question. Same problem है sir. इस बार इस problem को आप उस method से करें. तो इस method से अपन बेटा करते हैं. तो delta H आपका आ जाएगा HR minus HP. बेटा इसमें थोड़ा सा ये याद रखें. एक बार इस reaction को मैं open कर लूँ. तो इस reaction में देखो अपन को चार CH के bond है. चार CH के bond. ये मैं ऐसे लिख देता हूँ sir. ये चार CH है. मतलब चार CH के bond हो गए. दो CL. CL और CL है. और आगे लिखा हुआ है two. ये जब रिएक्शन होगी तो ये दो H ये रह जाएंगे ये दो Cl ये हो जाएगा और HCl में ये H और Cl के बीच का बॉन्ड है मल्टीप्लाई बाय 2 अब अपन बेटा रिएक्टेंट की बात करें तो चार CH के बॉन्ड हो गए सर चार CH के हैं तो 4×414 कर दिया अपन ने दो HCl और Cl के बीच का एक बॉन्ड है लेकिन दो मोल दे रखे अपन को तो मल्टीप्लाई बाय 43 कर दिया ये तो अपना रिएक्टेंट का हो गया प्रोडक्ट का बेटा बात करें तो दो CH के बॉन्ड है सर दो सी एच के बॉन्ड है तो बेटा 2×414 हो गया दो सी सी एल के बॉन्ड है दो सी सी एल के तो 2×150 हो गया एक एच सी एल का है लेकिन मल्टीप्लाई बाई 2 है तो दो एच सी एल के मोल हो गए तो ये 432 हो गया बेटा थोड़ा सा जोड़ बाकी करें तो बेटा 414 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा आपका और तो इसको अपन ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा सर 486 हो जाएगा ये तो सर अपना रिएक्टेंट हो गया प्रोडक्ट की मैं बात करूं बेटा तो यहाँ पे ये आ जाएगा 828 300 और 864 अब बेटा यदि अपन इनको ऐड करें
तो सर ये कितना हो जाएगा अपना? सर 1600 से 1600 लगभग उड़ ही जाएगा और 150 के आसपास आना चाहिए आई थिंक। तो सर ये अपन थोड़ा सा देखें तो 1600 और चार यहाँ तो ये 2000 तो ये हो गया और ऊपर का अपन और ऐड कर लेंगे तो सर ये अराउंड अपने पास आ जाएगा 2136 आ गया ये बिल्कुल सर 2136 तो ये हो गया। और यहाँ से अपन बात करें तो सर ये हो जाएगा अपने पास, सर ये हो जाएगा अपने पास 1992 जहां तक लग रहा है 1992 बन जाएगा सर। बिल्कुल सर ठीक है तो सर 1992 को इसमें से माइनस कर लीजिए अपना, ये लो सर 150 बनेगा एग्जैक्ट। तो सर 150 आ गया, इसका मतलब अपना फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो बेटा इस क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है लेकिन भूलने का कोई चांस नहीं है और जब इसकी प्रैक्टिस हो जाए तो अपन डायरेक्ट लॉजिक कर सकते हैं कि जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो प्लस का, जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो इन्वॉल्व करते हैं। ओवरऑल ये हो जाता है कि यहां से जैसे 2CH के बॉन्ड वापस सस्टेन हो गए तो भी ये बोलता है 2CH का बॉन्ड ब्रेक हुआ है और 2CCl के बने, तो 2CH बॉन्ड की एनर्जी ले लेता, 2Cl बॉन्ड की एनर्जी रिलीज। सर वाला तरीका अपन देखो इधर भी देख सकते हैं, यहाँ पे चार वापस कैंसिल आउट हुआ है सर, यहाँ पे दो हुए तो दो कैंसिल कर दो, दो ले लो बात वही हुई है। ठीक है सर चले आगे, चलो आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की बेटा अपन बात करते हैं। द इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस CuSO4 एंड हाइड्रेटेड CuSO4.5H2O आर दिस वन एंड दिस वन, देन डिटरमाइन द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रस CuSO4। तो सर मैं पहले इसकी यदि रिएक्शन लिखना चाहूं तो सर मैं ये बोल देता हूं कि जो अपने पास हाइड्रेटेड है उसको यदि अपन हीट दे देते हैं तो एनहाइड्रस में ब्रेक हो जाएगा सर। तो मैं यहां पे ये बोल दूं जो अपना CuSO4.5H2O है इसको यदि अपन ब्रेक करें तो ये एनहाइड्रस में जाएगा, साथ में वाटर अलग हो जाएगा। सही बात है सर। तो यहां पे अपन को जो एंथैल्पीज दी हुई है उसके लिए अपन बात कर लेते हैं। ये अपन को CuSO4 का दे रखा है और अपन को हाइड्रेटेड का दे रखा है, तो सर जो बच गया जलयोजन वो 5 मोल्स के लिए हाइड्रेटेड किया जाएगी। तो सर इसको सॉल्व करें, डेल्टा एच इज इक्वल टू एचपी माइनस एचआर, इसमें अपन फॉर्मूला लगाएंगे तो सर एचपी माइनस एचआर जैसे ही लगाएंगे तो सर डायरेक्टली ये दिख रहा है -69 और -10 तो -79 के समथिंग सर इसमें आता है। तो बेटा ये सिंपल सा क्वेश्चन था, एचपी माइनस एचआर लगाना था आपको, फॉर्मेशन पता है आपको, इसे हाइड्रेटेड बोलते हैं जिसमें वाटर हाइड्रेटेड फॉर्म में हो, ये एनहाइड्रस है और ये सिंपल अपना लिक्विड वाटर है जो इसके फॉर्म में था, HP माइनस HR लगाया तो -79 अपन बिल्कुल सही। चलें सर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा बात करते हैं। यूजिंग द फॉलोइंग डेटा जिसमें सब्लिमेशन दे रखा है, आयनाइजेशन एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और फॉर्मेशन दे रखा है, देन डिटरमाइन द लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl। बेटा इसको NaCl की लैटिस एनर्जी के लिए मैं आपको एक थोड़ा सा चार्ट बना के थोड़ा बात करूं। सर अपन ने ऐसा बोले अगर कि मेरे को हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखी इसके अंदर NaCl की, तो मेरे को आइडिया कैसे चलेगा कि हाँ यही वाला प्रोसेस चलना चाहिए या क्या क्या हीट रिक्वायरमेंट होगी अपन बेसिकली बात करें। जो आपने अभी बताया फॉर्मेशन एंथैल्पी जो अपन रिएक्शन में बनाते हैं, बिल्कुल सर NaCl अगर आपको लिखना है ना NaCl का, तो अपन लिखेंगे Na सॉलिड होना सॉलिड बिल्कुल प्लस हाफ ऑफ दी Cl2 गैस होना चाहिए बिल्कुल, तो ये जाके लास्ट में बनेगा NaCl और वो भी सॉलिड स्टेट सॉलिड। ये अपनी लैटिस एंथैल्पी के लिए भी अपन डेफिनेशन के लिए बात करते हैं, ये लैटिस एनर्जी के लिए भी डेफिनेशन हो सकती है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयन में डिसोसिएट करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसी को अपन लैटिस एनर्जी बोलते हैं, या फिर फॉर्मेशन का हो तो रिलीज एनर्जी हो जाती है। अब बेटा यदि यहां से अपन बात करें इसके लिए तो देखिएगा Na सॉलिड को पहले अपन को Na गैस में चेंज करना पड़ेगा बिल्कुल सर। तो सर Na सॉलिड को Na गैस में चेंज करना है इसके लिए जो जिम्मेदार होता है वो सब्लिमेशन एनर्जी, ये देनी पड़ेगी, ये देनी पड़ेगी Na गैस से। फिर यदि अपन को रिएक्शन देखनी है तो इसको Na प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसके लिए जो एंथैल्पी जिम्मेदार होगी वो आयनाइजेशन एनर्जी होगी। सही है सर। ये याद रखें बेटा डायरेक्ट सॉलिड से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन अभी पढ़ा है, गैस मोल के लिए बात करते हैं, तो यहां तक अपन आए। इसके लिए बेटा पहले अपन को इसको एटम में ब्रेक करना है तो हाफ मोल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ेगी, तो एक मोल की एनर्जी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है तो हाफ ही Cl2 है, तो ये अपने पास सर ये Cl आ जाएगा, ये गैसीय स्टेट में आ गया, गैसीय स्टेट में आएगा। फिर अपन इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के थ्रू इसमें अपन इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो अपना कन्वर्ट हो जाएगा Cl- में। अब अपन इन दोनों को ऐड करेंगे, इसे बोलेंगे लैटिस एंथैल्पी। मतलब ये हो गया कि यहां से यहां जाऊंगा तो वन मोल, मतलब कैटाइन गैसेस कैटाइन और गैसेस एनायन कंबाइन होके जब वन मोल आयोनिक कंपाउंड सॉलिड कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है या जो एनर्जी चेंज होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। तो सर यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि जो डेल्टा एच है हमारा वो सब्लिमेशन एंथैल्पी जो सर ओवरऑल ये हो गया कि आप ऐसे जाओ या फिर ऐसे घूम फिर के जाओ
तो दोनों में हीट चेंज हो रहा है, बिल्कुल एस लॉ के अकॉर्डिंग अलग अलग पास से भी जाएंगे तो टोटल एंथैल्पी चेंज कांस्टेंट होगा। और सर अपन ऐसे भी बोल सकते हैं क्योंकि एंथैल्पी जो है वो स्टेट फंक्शन है, डेल्टा एच एफ की बात है, डेल्टा एच एफ बेटा अपन को यहाँ पे दिया -411, सब्लिमेशन एंथैल्पी सर अपन को दिए 107, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट दिए 496, हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तो इसको अपन ने कर लिया 242 का हाफ, ये अपन को जो दिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलरेडी माइनस में दिए, अदरवाइज अपन माइनस लेके चलते, ये -349, और अपन को साथ में लैटिस एनर्जी जो फाइंड आउट करनी है उसको एल ई मान लिया। अब सिंपल सर अपने पास थोड़ी सी कैलकुलेशन है जो अपन को देखनी पड़ेगी, तो -411 इधर है, 107 +496 +121 -349 +97, सही बात है सर? बिल्कुल सर। इसको बेटा थोड़ा सा अपन यदि ये देखें तो 107 और 121 को देखें तो ये 228 हो जाएगा, तो सर ये 228 हो गया अपने पास। इस 228 को यदि मैं इसके साथ ऐड करूं तो आई थिंक ये अपने पास हो जाएगा, 228 को ऐड करते हैं अपन तो सर ये हो जाएगा अपने पास शायद 722 के समथिंग होना चाहिए, 375 बच रहा है, उधर भेज दो सर 375 को, इधर 375 बच रहा है पॉजिटिव में, पॉजिटिव में, तो सर ये हो गया 375 प्लस लैटिस एंथैल्पी इज इक्वल टू -411, यहां से लैटिस एंथैल्पी जैसे निकाली तो ये ऐड हो जाएगा 786 आएगा आपका, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा सर, तो थर्ड ऑप्शन अपना बेटा इसमें करेक्ट होगा, बिल्कुल डन सर। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा अपन इसमें बात करते हैं, चाहे आप हैस लॉ से रिलेटेड बोलते हैं चाहे एंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन कैसे भी करके बात करो, एक तरीके से इसमें पीरियोडिक टेबल का भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन आ गया। नेक्स्ट बोलता है व्हेन 30 ml ऑफ 0.10 NaOH रिएक्ट विद 10 ml ऑफ 0.10 HCl एंथैल्पी चेंज इज -13.7 कैलोरी, व्हेन 20 ml ऑफ 0.10 HCl इज फर्दर एडेड देन एंथैल्पी चेंज वुड बी, बेटा यहाँ पे आपसे न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहा है और उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बोल दूं कि वन इक्वलेंट स्ट्रॉन्ग एसिड जब वन इक्वलेंट स्ट्रॉन्ग बेस के थ्री न्यूट्रल होता है तो जो हीट की अपन रिलीज की बात करते हैं -13.7 कैलोरी बोलो, 13.7 किलो कैलोरी बोलो या -57.1 किलो जूल के लिए अपन इसमें बात कर रहे होते हैं, सही बात है सर। अब अपन को यहाँ पे इसने ऑलरेडी ये दे दिया -13.7 कैलोरी है तो अपन उसको वही मान के चल रहे हैं, नहीं सर ये इस रिएक्शन की दे रखी है, रिएक्शन के लिए बात कर रहा है, वैसे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किलो कैलोरी के रिस्पेक्ट में अपन बात कर रहे हैं, नहीं सर रिएक्शन में अगर आप बोले हो डेफिनेशन -13.7 किलो कैलोरी वो 1 मोल H+ आयन और 1 मोल OH- लेकिन ये तो रिएक्शन में 1 मोल बन ही नहीं रहा है, 1 मोल नहीं बन रहा है, यहाँ पे इक्विवेलेंट अपन बात करें तो सर यहाँ पे अपन ये देखें ये तो 3 इक्विवेलेंट की बात हो रही है, 3 मिली इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट क्योंकि ml है तो अपन ने बोल दिया ये तो अपने पास 3 मिली इक्विवेलेंट की बात हो रही है और यहाँ पे अपन ने बात 1 मिली इक्विवेलेंट, ये 1 मिली इक्विवेलेंट की, तो इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट इस बार HCl होगा एसिड होगा, बिल्कुल, तो इसका मतलब ये जो हीट रिलीज हुई है वो 1 मिली इक्विवेलेंट के रिलीज हुई है सब 13.7, तो ये बात बिल्कुल सही है कि 1 इक्विवेलेंट के करस्पोंडिंग बात करोगे तो 13.7 किलो कैलोरी ही आएगी, यहाँ पे मिली है तो उसको जैसे ही सॉल्व करोगे तो किलो कैलोरी में कन्वर्ट होगा, तो ये हीट यहाँ पे ये हिंट दिया गया है कि 1 मिली इक्विवेलेंट के करस्पोंडिंग जो हीट रिलीज होती है वो 13.7 होती है, रिलीज हो रही है तो माइनस साइन लेना पड़ेगा। अब अपन ने बाद में कितना ऐड किया, बाद में अपन ने 2 मिली इक्विवेलेंट और ऐड कर दी, यही बात की है सर, बिल्कुल तो सर अब सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि 1 मिली इक्विवेलेंट के लिए 13.7 है तो 2 मिली इक्विवेलेंट के लिए कितना होगा, तो 2 मिली इक्विवेलेंट के लिए कितना चेंजेस होगा, डबल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर आई थिंक 27.4 रिलीज हुई है तो माइनस आएगा, रिलीज हुई है तो माइनस आएगा, माइनस प्लस का स्पेशली इसमें आपको ध्यान रखना, बिल्कुल सर। वैसे न्यूट्रलाइजेशन का बेटा ये ध्यान रखना कि जब 1 मोल स्ट्रॉन्ग सॉरी 1 इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग एसिड 1 इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग बेस से होगा तो इतनी है, यदि वीक आ जाएगा तो थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है, या ऐसा बोल दो अगर आपको इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने में दिक्कत होती तो आप ऐसा बोल दो 1 मोल H+ आयन और 1 मोल OH- माइनस वाटर का फॉर्मेशन करते हैं या कंप्लीट न्यूट्रलाइज होते हैं तो जितनी हीट रिलीज होती है उसी को अपन हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोलेंगे, ठीक है सर। चले आगे, तो ये अपना क्वेश्चन 18 था जिसके लिए अपन ने इसको कैलकुलेशन देखी जिसका आंसर अपना ऑप्शन 2 आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 की बात करते हैं,
इक्वल वॉल्यूम ऑफ 1 HCl एंड 1 H2SO4 आर न्यूट्रलाइज्ड बाय 1 NaOH सॉल्यूशन. X एंड Y किलोजूल हीट आर लिबर्टेड रिस्पेक्टिवली, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर करेक्ट. बेटा यहाँ पे अगर सर मैं वॉल्यूम अगर 1 लीटर ले लेता हूँ, दोनों का अगर बोला है कि इक्वल वॉल्यूम लेना, मैं 1 लीटर ले लेता हूँ, तो 1 मोलर HCl है और इसका अगर 1 लीटर है, तो यहाँ से अगर H+ आयन की बात करूंगा तो 1 मोल H+ आयन बन जाए. बिल्कुल सही बात है, ठीक है. और 1 मोलर अगर H2SO4 है और इसका भी अगर 1 लीटर ले लेता हूं, तो यहां से H+ आयन जो बनेगा वो 2 मोल बनेगा. कुल मिलाकर अपन ये बोल सकते हैं इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो इक्विवेलेंट में यहां पे n फैक्टर 1 है, लेकिन H2SO4 के लिए n फैक्टर 2 है, तो यहां पे 2 इक्विवेलेंट की बात हो रही है. ठीक है, तो ये 1 मोल H+ आयन जब 1 मोल, यहां पे सर 1 मोलर NaOH है, इसका मतलब 1 मोल OH- आएगा. बिल्कुल, तो यहां पे हीट रिलीज होगी जैसे -13.7 किलो कैलोरी. अगर मैं डेटा विद बात करूं तो जो x के बराबर दे रखी है अपन को, और यहां पे 2 मोल H+ है तो -27.4 किलो कैलोरी होगी, तो ये y है. तो सर क्लियरली चीज दिख रही है कि 2 मोल H+ आयन है तो हीट ज्यादा होगी, यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन डबल होगा एज कम्पेयर टू इसके, तो y जो आना चाहिए वो 2x के बराबर आएगा. कुल मिलाकर बोल सकते हैं y अपना ग्रेटर है, ज्यादा अपन यहाँ पे बात करेंगे y is equal to 2x. बेटा थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाए x is equal to 2y है या y is equal to 2x. तो सर ने आपको क्लियरली बता दिया y ज्यादा है, इसका मतलब x के लिए अपन बात करें तो 2 टाइम्स करेंगे तब y के इक्वल आएगा. चले सर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 4 एसिड ए बी सी डी आर दिस वन, देन व्हेन दे आर न्यूट्रलाइज्ड बाय कॉमन बेस द एसिडिक कैरेक्टर ऑबेज द ऑर्डर. बेटा अभी मैंने आपको पहले बोला है कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के 1 इक्विवेलेंट से न्यूट्रल हो रहा है तो एनर्जी जो है वो -13.7 किलो कैलोरी रिलीज होती है. बेटा यहाँ पे अपन को न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी दे रखी है और एसिडिक कैरेक्टर की बात कर रहा है, तो अपन को पता है जो एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि चारों के लिए अपन को बात कर रखी है, जब तक नहीं दिया अपन 1 इक्विवेलेंट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, जो एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसके लिए न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पे ज्यादा आएगी. तो बेटा यहाँ पे सबसे ज्यादा आ रही है अपने पास ए की, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड ए होगा, उसके बाद डी होगा, उसके बाद सी होगा और उसके बाद बी होगा. तो अगर वीक एसिड हुआ तो कुछ हीट जो है उसको आयोनाइज करने में लग जाएगी, तो ओवरऑल एनर्जी रिलीज जो होगी वो -13.7 से कम आएगी. तो बेटा इसके अकॉर्डिंग अपन यदि ऑप्शन देखें तो अपन को मिल रहा है ए डी सी बी, मतलब अपना बेटा सेकंड ऑप्शन इसके अकॉर्डिंगली करेक्ट होना चाहिए. बिल्कुल सर, सही बात है सर. तो सर ये अपना पूरा अपन ने अभी तक थर्मोकेमिस्ट्री देखा, जिसमें अपन ने सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको सबको कंबाइन करने की सोची और आपको क्वेश्चंस बताए. इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने पास कंक्लूजन आया कि फॉर्मेशन का डेटा गिवन है तो HP-HR लगाओ, कंबशन का डेटा गिवन है तो HR-HP लगाओ, और जो सर ने बॉन्ड एनर्जी में तरीका बताया वो अप्लाई करो. इस तरीके से अपन जितने भी हीट के क्वेश्चन है उनको देखेंगे. साथ में प्लस माइनस का आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि जहां भी रिएक्शन से हीट रिलीज हो रही है तो अपन उसको माइनस लेके चलेंगे. क्यों सर इतनी बात? बिल्कुल बिल्कुल सर. तो बेटा ये अपना आज गुरुनीति का 11th एपिसोड था जिसमें अपने थर्मोकेमिस्ट्री की है. आप आपके जो CLC का YouTube चैनल है उसे लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, जिससे आपके पास कंटिन्यू नोटिफिकेशन आती रहे. बाकी अपन फिर से मिलेंगे नेक्स्ट अपने गुरुनीति के 12th एपिसोड में. आप एक बार इसे अच्छे से देखिए, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो अपन बाद में बात करेंगे. ओके, थैंक यू.